अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के दौरान जब हम अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्या कुछ बैरियर्स हैं। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जब हम अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा मैसेज जो है वो पहुंच नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ की वजह से भी हो सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल कंप्लीट ना होने की वजह से भी हो सकता है। तो चलिए वन बाय वन हर एक बैरियर को देख लेते हैं। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, पॉइंट नंबर वन, इश्यूज़ इन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। जो सेंडर है और जो रिसीवर है उनके दरमियान में कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह क्या बनती है कि प्रॉब्लम फेस करता है रिसीवर भी और सेंडर भी। नंबर टू, नॉइज, फिजिकल इंटरफेरेंस दैट डैमेज द मैसेज एज इट वाज बीइंग कम्युनिकेटेड। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो दरमियान में कोई बंदा आके इंटरप्शन क्रिएट कर देता है, नॉइज क्रिएट करता है, डिस्टर्ब करता है आपको, जिसकी वजह क्या बनती है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है दूसरे आदमी के साथ बेहतर नहीं हो पाती। ये भी एक हमारे लिए बैरियर है। नंबर थ्री, कंफ्यूजिंग एंड कन्फ्लिक्ट मैसेजेस। ऐसे मैसेज जो आप किसी को सेंड कर रहे हो या कोई आपको सेंड कर रहा है, ऐसे मैसेज जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ये एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। जिस मैसेज की आपको समझ नहीं आती है, जो मैसेज आप किसी को भेज रहे हैं उसे समझ नहीं आती है, ये एक बैरियर बन गया। मतलब जो कोई बात आप कहना चाह रहे हो वो आपकी बात उसको समझ नहीं आ रही है, ये एक बैरियर है आपके लिए और उसके लिए भी। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन में कंफ्यूजिंग मैसेजेस भी आते हैं। नंबर फोर, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास किसी बात की सही खबर, सही न्यूज़, सही बात, मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती और ऐसे ही जाके बताना शुरू कर देते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह क्या बनती है कि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो पाती है, ये भी एक बैरियर है। नंबर फाइव, फॉल्टी सिस्टम, वीक मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसके सिग्नल ठीक नहीं है, जब भी आप किसी से बात करने लगते हो तो दरमियान में बार बार एक रिकावट पैदा हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर नहीं हो पा रही है और आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, ये भी एक बैरियर है। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में क्या कुछ आता है कि हमारे रिलेशनशिप सेंडर और रिसीवर में बेहतर जब ना हो तब कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होती है, नॉइज़ की वजह से कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होती है, ऐसे मैसेजेस जिसको हम किसी को पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कुछ लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रही है, कन्फ्यूजिंग मैसेजेस, वो भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हमारे पास किसी बात की मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ये भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर बन जाता है। नंबर फाइव, हमारे सिस्टम जो फॉल्ट होते हैं जिसमें, वो भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन का, जो ठीक तरह से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।